Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. आमिर खान की महाभारत जब से खबर में आई है तब से चर्चा में रही है और जन्माष्टमी के मौके पर फिल्म को लेकर एक अच्छी खबर भी आ चुकी है। सूत्रों की माने तो आमिर खान को फिल्म के लिए चीन में प्रोड्यूसर भी मिल चुके हैं, यानी कि फिल्म का काम शुरू किया जा सकता है अगर आमिर खान फिल्म का प्रोड्यूसर फाइनल कर देते हैं तो। वहीं खबर है कि फिल्म की कास्टिंग के लिए आमिर खान लगातार सितारों को जुटाने का काम शुरू कर चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान ने इस फिल्म के लिए एक अहम किरदार निभाने के लिए बाहुबली स्टार प्रभास को अप्रोच किया है। वहीं मुकेश अंबानी भी प्रोड्यूसर के तौर पर फिल्म से जुड़ने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। माना जा रहा है कि आमिर अपने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को स्टार अमिताभ बच्चन को धृतराष्ट्र का किरदार ऑफर कर चुके हैं। दरअसल सलमान खान काफ़ी समय से एक महाभारत में काम करना चाहते थे और उनका अपना ही वर्जन था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आमिर ऐसी फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं तो उन्होंने खुद ही आमिर को फिल्म में काम करने की इच्छा जता दी है। वहीं आमिर खान कर्ण या अर्जुन में से किसी एक की भूमिका में दिख सकते हैं। काफ़ी समय से फिल्म से दीपिका पादुकोण का भी नाम जुड़ रहा है। खबर है कि आमिर खान ने उन्हें द्रौपदी के रोल के लिए अप्रोच किया है। हालांकि अभी तक फिल्म की कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई है, ऐसे में ये सारे नाम महज अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहे हैं। की खबर ऐसी आ रही है कि आमिर खान सलमान खान को इस फिल्म में कृष्ण का रोल दे सकते हैं। दोस्तों आपकी राय में क्या सलमान खान कृष्ण की भूमिका निभा पाएंगे या फिर उनकी जगह सुपरस्टार अजय देवगन या अक्षय कुमार रोल के लिए बेहतर रहेंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बॉलीवुड से जुड़ी और दिलचस्प खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।